फेमस हेयर आर्टिस्ट जावेद हबीब पहुंचे रीवा, ब्यूटिशियनों को बताई हेयर से जुड़ी बारीकियां। बुधवार को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हेयर को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इंटरनेशनल हेयर आर्टिस्ट जावेद हबीब ने ब्यूटिशियनों को अपने हंसमुख अंदाज में हेयर की बारीकियां बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि हम बालों की किस तरह से अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं, नहाने से पहले और नहाने के बाद बालों की कैसे केयर करनी है जिससे उनके बाल ना टूटें। इसके अलावा कई ब्यूटिशियनों ने बालों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बालों की देखभाल के लिए हेयर एजुकेशन जरूरी है। बाल टूटने का सबसे बड़ा कारण है तेल, उसका सही तरीके से उपयोग ना करने की वजह से बाल ज़्यादा टूटते हैं और मध्य प्रदेश में लोगों के ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि तेल कब लगाना है और कैसे लगाना है। उन्होंने कहा कि बालों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। जावेद हबीब के कुल 900 सैलून चल रहे हैं, जिसमें 5000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेहंदी को लेकर कलर कंपनी ने बदनाम कर दिया है, जबकि इंडिया में सबसे ज़्यादा मेहंदी लगाई जाती थी, जबकि मेहंदी से बालों को कोई नुकसान नहीं है। ये जो हमारा प्रोफेशन है, जिसको लोग कहते हैं नाई का काम, जिसको लोग कहते हैं ब्यूटी पार्लर का काम, साइंस है। और हमें साइंस सीखनी आज, हमें सीखना है जब बालों को टच करते हैं बालों को फील कैसे करें। और इसका एक ही रीजन है, एजुकेशन की वजह से। अगर एजुकेशन नहीं है ना, हम हेयर ड्रेसर हैं। अगर एजुकेशन आ जाएगी ना, हम डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये 3-4 घंटे हैं, भूल जाते हैं कि हम लोग कितने सीनियर हैं। हम लोग ये सोचेंगे हम सब स्टूडेंट हैं और हमें सीखना है। और कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आपकी शॉप 30 साल से चल रही है, कोई डाउट है मुझसे पूछो। तो 4-5 घंटे स्टूडेंट बनते हैं हम सब मिलकर, ठीक है? सब मोबाइल साले। दिल्ली की धरती पर, सफेद शेरों की धरती पर हर व्यक्ति सुंदर हो, इस बात को जमीन पर उतारने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय जावेद हबीब जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। मैं आपका अपनी ओर से और अपने पूरे नगरवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करना और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में बालों के जादू थे, पूरी दुनिया में मशहूर जावेद हबीब जी मौजूद। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले सर आप। पहली बार तो मैं रीवा फर्स्ट टाइम आया और आना इतना आसान नहीं, सच्ची बात है, सोचना पड़ेगा। हमें दिल्ली से बाई ट्रेन आप वहाँ पहले पहुँचते हैं सताना, वहाँ से बाई रोड, तो लोग सोचते हैं। बट मैं सोचता हूँ कि हमारे जो प्रोफेशन, जो नाई का काम है या ब्यूटी पार्लर का काम है, इसकी ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। और उस ग्रोथ के अंदर एक ही चीज़ चलेगी, वो है एजुकेशन। और वो एजुकेशन भारतीय एजुकेशन, हम सोचें कि कोई लंदन की एजुकेशन चलने वाली है, बिल्कुल चलने वाली है। तो मेरी एजुकेशन बहुत सिंपल है। हेयर एजुकेशन आज सिर्फ बाल काटना नहीं है, हेयर एजुकेशन बाल काटना होता है, हेयर एजुकेशन केमिकल करना होता है, हेयर एजुकेशन हमारे प्रोडक्ट यूज़ करना होता है। लेकिन इतना करने के बाद में भी सबके बाल टूटते हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश के अंदर सबके बाल टूट रहे हैं। और उसका टूटने का एक जो मेन रीज़न जो मैं जानता हूँ वो है यहाँ का तेल। हर आदमी तेल लगाता है, मैं कहता हूँ तेल लगाओ बालों के ऊपर, लेकिन तेल लगाते कैसे हैं, कब लगाते हैं, ये सीखना चाहिए हमें। ज़रूरी नहीं कि जो मेरे दादा ने उस टाइम में तेल लगाया था अपने बालों के ऊपर वो आज भी काम करेगा, क्योंकि आज का कल्चर चेंज हो चुका है। तो मैं बोलता हूँ बालों को साफ रखो, और साफ रखने के लिए बालों को शैम्पू करो, और शैम्पू से 5 मिनट पहले सरसों का तेल लगाओ बालों के ऊपर, चम्पी मत करना। और अगर रात को आपने बालों पर तेल लगा के छोड़ दिया ना, बाल बचेगा नहीं किसी का, और बाल बचेगा नहीं, बाल ग्रे होगा। और जब बाल रोज वॉश नहीं होते, बाल ग्रे भी जल्दी होते हैं। इसी वजह से हम लोगों को बहुत सारा केमिकल लगाना पड़ता है, और जैसी केमिकल बालों पे लगा, बाल तोड़ देगा, बाल निकाल देगा। तो सिंपल आंसर है, स्वच्छ हेयर स्वच्छ भारत, मतलब बालों की सफाई रखो। और सफाई करने के लिए बहुत महंगी चीज़ें नहीं चाहिए, बालों को अच्छा रखने के लिए एजुकेशन चाहिए, और इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जावेद हबीब, इंडिया क्या, दुनिया का सबसे बड़ी ब्रांड है।
हमारी पूरी फैमिली 900 सालों चलाती है। कभी सुना है आप लोगों ने एक नाई की कंपनी इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है? 5,000 लोग हमारी ब्रांड में काम करते हैं, मतलब 5,000 लोगों के घर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितने लोगों के घर काम चलते होंगे ये कैंची की वजह से। और मेरी पहचान मेरी कैंची ही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मैं कैसा लगता हूँ कोई मतलब नहीं है, मेरी कैंची में पावर है। देखो मैं सोचता हूँ कि कैंची सब कुछ चेंज कर सकती है। दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन कैंची ही था, और जब तक दुनिया चलेगी ना कैंची चलेगी, इससे अच्छा काम नहीं। मतलब एक ट्रेनिंग करो 3 महीने की, 4th महीने जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है। और ये स्किल इंडिया चल रहा है ना, स्किल इंडिया के अंदर ये है ना हमारा हेयर एंड ब्यूटी, उसका सबसे बड़ा मैंडेट तो मेरे पास नहीं है। मतलब एक कैंची कितना बड़े सोसाइटी चेंज कर सकती है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर लोग बोलते हैं इसको नाई का काम, बिकॉज ऑफ कल्चर। दुनिया में पहले कोई डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर का काम कौन करता था? नाई करता था, हम उनके फोर फादर हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ एजुकेशन वो डॉक्टर बन गए और हम वहीं कहीं बैठे में। तो मेरा एक ही मिशन है, अभी बाल काटते रेस्पेक्ट लेके आते हैं। रेस्पेक्ट कैसे आएगी? थ्रू एजुकेशन, सिंपल आंसर। हमारे आने वाले हैं बालों का टेक्सचर, इसमें क्या पॉइंट आने वाले हैं? बालों की कंडीशन, इसमें क्या पॉइंट आने वाले हैं? क्लाइंट को क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है? और इसमें आप लोग लगाने वाले हैं कम से कम 5 मिनट। है ना, लगी हो क्या फर्क पड़ता है? बाल डैमेज हो क्या फर्क पड़ता है? बाल टूट रहे हैं क्या फर्क पड़ता है?